विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित की गई हैं। किसी भी रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग भार वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। एक सवाल ये भी उठता है कि ये बात कहां तक सही है। कुछ दिन पहले एक लड़का पूरी लड़की बनके मैच जीत के चला गया, तब ये नहीं जान पाए। आज 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से पूरा ओलंपिक का स्टाफ जाँच पैरामीटर समझाने में लगा हुआ है। @9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई। अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी। आज हम अपने शो भारत @9 में जानेंगे अयोग्य घोषित होने और करने के क्या नियम हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर भारत की संसद में क्यों मचा विनेश को लेकर बवाल और भी बहुत कुछ। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित की गई हैं। विनेश अब ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत पाएंगी। विनेश फोगाट महिलाओं के 50 किलो वेट कैटेगरी के फ्री स्टाइल स्पर्धा में चुनौती पेश कर रही थी, लेकिन बुधवार जब उनका वजन किया गया तो उनका वजन मान्य वजन से कुछ ग्राम ज्यादा पाया गया। भारतीय दल ने विनेश के वजन को 50 किलोग्राम तक लाने के लिए थोड़ा सा समय मांगा, लेकिन अंततः विनेश फोगाट को तय वजन से कुछ अधिक भार के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी भी रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग भार वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। रेसलिंग, बॉक्सिंग जैसे खेलों में ये तय तरीका है, जिससे सभी खिलाड़ियों के लिए निष्पक्ष मौका सुनिश्चित किया जाता है। आज हमने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम देखे और जाने और समझने की कोशिश की तो ये नियम कैसे काम करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। किसी भी टूर्नामेंट में एक भार वर्ग के लिए प्रतियोगिता 2 दिनों में आयोजित की जाती है। आधिकारिक तौर पर पहली बार किए गए समय पर जो वजन होता है, प्रत्येक खिलाड़ी को केवल उसी एक भार वर्ग में खेलने की इजाजत होती है। वजन के वक्त खिलाड़ी केवल सिंगलेट यानी कि स्लीवलेस शर्ट ही पहन सकते हैं। बढ़े हुए वजन के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी भी भार वर्ग के मुकाबले के पहले दिन सुबह ही मेडिकल जांच और वजन किया जाता है। इस दौरान रेसलर मेडिकल परीक्षण से गुजरते हैं। यहां क्वालिफाइड फिजिशियन ऐसे किसी भी रेसलर को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जिससे कोई संक्रामक रोग फैलने का जोखिम हो। खिलाड़ियों को अपने नाखून भी छोटे छोटे काटने पड़ते हैं। ये पहली प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चलती है। जो इन वेट कैटेगरी के लिहाज से फिट पाए जाते हैं उन्हें खेलने दिया जाता है। इसके बाद जो लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं उन्हें दूसरे दिन की सुबह भी वजन करवाना होता है। ये प्रक्रिया 15 मिनट तक चलती है। यूडब्ल्यू के नियम कहते हैं इस दौरान किसी भी वजन में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नियमों के अनुसार वजन करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान रेसलर के पास यह हक है कि वो कितने भी बार मशीन पर वजन करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए चुने गए रेफरियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वे सभी संभावित भार वर्ग के प्रतिभागियों के वजन की जाँच करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि खिलाड़ी अभी आवश्यकताओं को पूरा करें। अगर किसी रेसलर पर किसी तरह का जोखिम है तो ये रेफरी उसकी भी सूचना देते हैं। अगर कोई एथलीट वजन की प्रक्रिया पूरी नहीं करता या इसमें फेल हो जाए तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और सबसे आखिरी पायदान पर रखा जाता है। ओलंपिक में अगर शीर्ष 2 रेसलरों में किसी एक का वजन अधिक पाया जाए तो वो मेडल ही अयोग्य हो जाता है, यानी इस मामले में सिल्वर मेडल किसी को नहीं दिया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि वजन घटाने में क्या मुश्किलें हैं। इंसानी शरीर में वजन बदलता रहता है, कई बार ये वजन एक दिन के अंदर ही बदल जाता है। ऐसे में मैचों के दौरान 2 खिलाड़ियों का वजन किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी किसी खास कैटेगरी में जगह बना रहा है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दोनों दिन वजन को एक जैसा बनाए रखें। ओलंपिक में खिलाड़ी जिस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं उनसे उसी में खेल की उम्मीद रहती है। अपने वजन से कम कैटेगरी में खेलना आसान नहीं होता। ऐसा करने के लिए अपना वजन घटाना होता है और टूर्नामेंट के 2 दिन तक बरकरार रखना होता है। एक पूर्व पहलवान ने बताया है कि ये मुश्किल काम है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वो ये बात जानते हैं। पहलवान के मुताबिक कई पहलवान जो कम वजन की कैटेगरी में खेलना चुनते हैं उनको अपना खाना पीना कम करना होता है। कुछ लोग भूखे रहते हैं और इसका असर शरीर पर दिखता है। खेल से पहले इस कमजोरी से भी उभरना होता है। ऐसे में खुद के शरीर में बदलाव लाना आसान नहीं होता। अगर किसी पहलवान का वजन बॉर्डर लाइन पर है तो उसे तनाव का सामना करना पड़ता है। विनेश को पहले भी वजन के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ओलंपिक 2016 में 48 किलो कैटेगरी में विनेश को अपना वजन कम करना पड़ा था और ये चुनौतीपूर्ण रहा था। बाद में विनेश इस कैटेगरी की तरह जगह बनाने और खेलने में सफल रही थी, मगर बाद में चोट के कारण विनेश बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक में 53 किलो कैटेगरी में विनेश खेली गई थी मगर क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस में विनेश ने कुछ दिन पहले ही कम कैटेगरी में खेलने और वजन कम करने का फैसला किया, मगर अंत में कुछ ग्राम विनेश फोगाट पर भारी साबित हुए। इन सब घटनाक्रम के बीच लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी और विनेश का हौसला अफजाई करते हुए दिखे। वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से विनेश को ढांढस बंधाया और कहा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। अब भारत का गौरव है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। आज के झटके से दुख
है, काश उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाती है जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। चुनौती को डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है, मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद से ही राजनीति भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि कुछ खबरें बता रही हैं कि विनेश के ससुर राजपाल राठी ने कहा कि साजिश के तहत किया गया है, या अचानक कैसे हो गया। राठी के बयान के कुछ देर बाद संसद में इस मुद्दे पर हंगामा हो गया। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में पप्पू यादव, चंद्रशेखर, असदुद्दीन ओवैसी और हरेंद्र विल्क ने सरकार की घेराबंदी कर दी। इन सांसदों का कहना है कि जानबूझकर विनेश को टारगेट किया गया। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार को इस मामले में गंभीर होने के लिए कहा है। सिंह ने कहा कि सख्ती से इस मामले में पेश आए, अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भारत सरकार की मांग को नहीं मानता है तो इसका बहिष्कार किया जाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और उसके पीछे की असली वजह क्या है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि ये बात कहां तक सही है। कुछ दिन पहले एक लड़का पूरी लड़की बन के मैच जीत के चला गया, तब ये नहीं जान पाए। आज 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से पूरा ओलंपिक का स्टाफ जांच पैरामीटर समझाने में लगा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।